Hi guys, so welcome back to Foodie 5e and we are back again with another delicious recipe. So if you like this recipe, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and stay tuned for the recipe. तो आज की हमारी रेसिपी है मकेन पोटैटो बाइट्स, बहुत ही टेस्टी है और आज तक आप पैकेट का खा रहे हैं सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपी। अब आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, क्रिस्पी है, यमी है और स्टे ट्यून फॉर द रेसिपी एंड लाइक दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया था 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, उसमें 5 to 6 गार्लिक मैंने फाइनली चॉप करके डाल दिए। देन उसके बाद मैंने लिया था सीजनिंग में थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ी सी धनिया ली है मैंने, कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली ली है। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसको सौते करेंगे। इस प्रोसेस को आप बटर या घी में भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑयल। एक बार ये अच्छा सा सौते हो जाएगा देन हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप अराउंड वाटर ऐड किया है और उसके बाद जब ये वाटर हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी राइस फ्लार। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दें स्टर करते हुए। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी राइस फ्लार यानी कि चावल का आटा। मैंने 1/2 कप राइस फ्लार लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि सीजनिंग कम पड़ेगी तो मैंने यहाँ पे इसके मिक्सचर में भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। एक बार हल्का सा वाटर बॉयल होने लग जाएगा देन हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, हमारा जो राइस फ्लार है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप जो राइस था उसमें 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा ऐड किया है। देन उसके बाद हम इसे चलाते हुए इस तरीके से एक अच्छा सा डो रेडी करेंगे। कीप ऑन स्टरिंग अदरवाइज लम्स पड़ने के चांसेस होते हैं एंड देन उसके बाद आपका जो डो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। सो कुछ इस तरीके से चलाते हुए आपको कंटिन्यूअसली एक अच्छा सा डो रेडी कर लेना है एंड देन इस डो को हम करेंगे ठंडा और बाकी चीज़ों को हम करेंगे रेडी। पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और देन हम अपने आलू को कर लेंगे ग्रेट। उससे ये लम्प फ्री रहेगा, कोई भी गुठली नहीं होगी। एक बार आलू ग्रेट हो जाएगा देन हम उसमें ट्रांसफर करेंगे जो हमारा राइस का मिक्सचर था जो हमने रेडी किया था ठंडा होने के बाद, वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। दोनों को हम अच्छे हाथ से मिलाते हुए एक अच्छा सा डो रेडी करेंगे एंड हम साथ ही साथ इसमें बाकी चीज़ें भी जो हमारी सीजनिंग है और जो बाकी इंग्रेडिएंट है वो भी हम इसी टाइम पे इसमें ऐड कर लेंगे। सो नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। सो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर ऐड किया है एंड देन हम उसमें ऐड करेंगे सीजनिंग। सीजनिंग के लिए मैंने ऐड किया है अराउंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ पेपर एंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली एकदम अवॉइड करें, ब्लैक पेपर इज इनफ। बट अगर आप चाहें तो आप मेरी तरह यहाँ पर इसमें जो हमारा चिली फ्लेक्स है वो ऐड कर सकते हैं और फिर अच्छे हाथों से इसे मिलाते हुए डो को रेडी कर लें। हैव टू मेक श्योर जो आपका डो है, जो पूरा मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। सो उसके लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल ले करके और किसी फ्लैट सरफेस पे या अपने चॉपिंग बोर्ड पे कुछ इस तरीके से इसे मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डिवाइड कर लिया 3 पोर्शन में एंड देन उसको ऐसा लॉन्ग हम इसको रोल कर लेंगे और कुछ इस तरीके से इस शेप में हम ले आएंगे। उसके बाद हम चाकू की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लेंगे एंड देन हाथ की हेल्प से हम इसे प्रॉपर शेप में ला करके बाइट्स को रेडी कर लेंगे। तो उसके बाद ये रेडी हो जाएगा और दूसरी तरफ आप अपनी कढ़ाई चढ़ा दें ऑयल गरम होने के लिए, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे गरम ऑयल में मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि ये क्रिस्पी बने रहें। सो मैंने इसके पहले एक और रेसिपी शूट की थी तो इसीलिए मेरा ऑयल कुछ इस तरीके से है, मैं इसे रीयूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके बाइट्स हैं उनके बीच में इनफ गैप हो, अदरवाइज ये सॉगी हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस तरीके से आपके मकेन आलू बाइट्स यानी कि पोटैटो बाइट्स हो जाएंगे रेडी। सो इसे आप ट्राई कर सकते हैं फॉर द ब्रेकफास्ट, फॉर द स्नैक्स एंड डेफिनेटली बच्चों को और ये बड़ों को भी उतनी ही पसंद आने वाली रेसिपी है। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको इसको स्टर करते हुए फ्राई करना है और इस तरीके से जब इसका कलर हो जाए देन आपको इसको बाहर निकाल लेना है और बचे हुए फ्राई को भी। तो कुछ इस तरीके से फटाफट बनके हो जाएंगे रेडी और आप इसे ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और पैकेट फूड से तो बहुत ही बेहतर है अगर आप इसे घर पे बना करके अपने बच्चों को दें तो। सो ये देखिए हमारे क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स हो गए हैं रेडी। इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड इफ़ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल एंड वॉचिंग दिस रेसिपी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंटिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।